नमस्कार, आज़ाद न्यूज़ टीवी की ओर से, दर्शन चीका की ओर से सभी को नमस्कार। और हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ जो किसान बैठे हैं, ये चीका में रिलायंस पंप के पास जो किसान बैठे हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो ये जो यहाँ पे किसान बैठे हैं रिलायंस पंप पे चीका पे, तो ये किस लिए, कब से यहाँ बैठे हैं? वैसे ये किसान जो बैठे हैं, सब नू पता है कि जो इस हिटलरशाही सरकार ने जो तीन कानून किसानों के उत्ते थोपे गए सी, उस दे वास्ते उन्हां कानूनां नू रद्द कराउण वास्ते 15 दिसंबर तो ये साडा धरना इत्थे चल रहा है। 15 दिसंबर तो जो कि पहला 26 तरीक दा सी, जो किसान पंजाब तो आए सी, उन्हां नू भी असी अपने ये बैरीगेड लाए गए सी, उन्हां नू तड़वा के उन्हां दा साथ दे के उन्हां नू दिल्ली वाल कूच कराया, जो 26 सितंबर नू आए सी। उस तो बाद दा साडा उसे तरह प्रोग्राम चलदे रहे अगे, ते 15 तरीक तो 15 दिसंबर तो साडा धरना कंटिन्यू चल रहा है। इसे तरह जो सरकार ने हुण 26 तरीक नू कीता, 26 जनवरी नू, उस तो बाद अज दा जिहड़ा प्रोग्राम बहुत वधिया तरीके दे नाल, उस तरह लोगों के उत्साह है, उस तरह लोगों के अपने मोर्चे नू लैके उन्नी ही वो दर्द पीड़ा है जो असी वो तिने कानून रद्द करवाने हैं। तो सरकार ने बड़िया चाला चलिया, बहुत ही ज़्यादा चालिया चलिया, खालिस्तानी भी किया, पाकिस्तानी भी किया, नक्सलवादी भी किया, चीनी भी किया, पर यह जो किसान बैठे हैं ये अपने हकों नू लैके, अपने हकूकों नू लैके, अपनियां मंगां नू लैके उस तरह डटे हुए ने, ते डटे रहनगे जिन्ना चिर ये सरकार काले तीन कानून वापस नहीं लेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आज लगभग कितने ट्रैक्टर यहाँ से आसपास के गांव से निकले हैं, कुछ इसके बारे में हम जानकारी जानना चाहेंगे, जिसको ट्रैक्टर के बारे में आप कितना आज सैकड़े ट्रैक्टर कई बहुत ही ज्यादा असी वो ट्रैक्टर नु तोड़ के आए हैं, जो कि अपने चौंक तो ते पुरानी मंडी तो ट्रैक्टर गए ने, काफी संख्या दे विच गए ने, जो लोग दिल्ली में जा रहे ने, कुछ लोग इत्थे अपने धरने दे विच उसे तरह प्रदर्शन कर रहे। इसमें माता बहनों का कितना सहयोग? पूरा सहयोग है जी, मावां भैणा साडियां बिलकुल उसे तरह अपने वधिया ढंग दे नाल इह वीरां दा सहयोग दे रहियां ने, क्योंकि इहदे विच औरत भी उन्नी हिस्सेदार है जिन्ने साडे वीर इस विच हिस्सेदार ने। अज उहनां दे हक्कां ते भी डाका है जिन्ना कि साडे भरावां दे हक्कां ते डाका है। खरकड़े तो आए जी। खरकड़ा से जी? हाँ जी। अच्छा जी, आज सुबह आए थे आप? हाँ सुबह आए। कितने बंदे आए आपके साथ लगभग? साढ़े ना मेरे ना दस बीस, मेरे कितने छः सात दस भी आए, पंद्रह बीस। ठीक है। तो और आप आस पास के गांव से काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत आ रहे हैं। दिल्ली भी जा रहे हैं? काफी दिल्ली जा रहे हैं जी। अच्छा जी, तो दिल्ली गए हैं, तो इनका कहना है कि दिल्ली अब दोबारा, लोगों का जो उत्साह है वो अभी कम नहीं हुआ, वो दोबारा फिर दिल्ली जाने की तैयारी में है। और ये काफी भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं रिलायंस पंप पे, जो यहाँ काफी एकजुट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे, नौजवानों को बात करना चाहेंगे, ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कृषि कानून, जो ये काले कानून बोल रहे हैं, जो तीन बनाए गए हैं, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जेड़े जो ये काले कानून है, ये सरकार ने जो है कुछ उद्योगपति है जो कॉरपोरेट किसानों को, उनको मतलब अपना फायदा देने के लिए किया है, कि हमारे जो मतलब जो मित्र हैं अडानी अबानी हैं, उनको फायदा मिले ना कि किसानों को मिले। अगर इनको लगता है, जब किसान मतलब खाना नहीं खाना चाहता है, अगर वो अपना मतलब पेट भरा हुआ है और उसको नहीं भरना चाहता, तो क्यों भर रहे हैं? क्यों उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं कि हाँ मैं आपको फायदा देना ही देना है? जब किसान बोल रहे हैं कि स्वामीनाथ रिपोर्ट दें हमें, वो क्यों नहीं दे रहे हैं हमें स्वामीनाथ रिपोर्ट? जो चीज मांग रहा है वो तो किसान को मिल नहीं रही है, जो किसान चीज नहीं मांग रहा है उसके जबरदस्त उसके ऊपर थोपी जा रही है, और इसका पूर्ण रूप से जो पूरा किसान बिरादरी है इसका विरोध करती है, और इस काले कानून को वापस करके ही दम लेंगे हम लोग। हम एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि पीछे मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था इसको 1.5 या 2 साल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, अगर हमारे किसान एकता अगर एकजुट होकर अगर उनका अगर राय बनती तो इसको 3.5 या 4 साल के लिए डिमांड कर ले, जैसे कि सरकार कितने साल की होती है आपको पता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए होती है, रहेगी। तो अगर वो 3 साल उसको ठंडे बस्ते में डाल देती तो उससे क्या होता है? उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है? सरकार ने देखो, अगर उसको ठंडे बस्ते में जैसे आप बात कर रहे हो, वो होल्ड पे रखा है, सस्पेंड किया उनको, 1.5 साल के लिए उन्होंने माना है। अगर वो 1.5 साल, वो 3 साल के लिए क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक हम सरकार हैं, हम फिर से हमारी ये मतलब कानून लागू करना चाहते नहीं हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, क्या उन्होंने अपने जो जहाँ पे जो किसान वहाँ बैठे थे नेता, तो क्या उन्होंने 3 या 3.5 साल की डिमांड रखी थी?
इसके बारे में किसी को अगर सही पता हो बताना। नहीं देखो, उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी अपने, इसको लंबा किया। उन्होंने वो क्या कह रही थी सरकार का कहने का ये मतलब था कि 1.5 साल के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं, फिर एक कमेटी बना लीजिए और कमेटी फायदा 2 साल में 3 साल में जो भी मतलब फैसला देगी वो सबको मंजूर होगा। लेकिन किसानों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया है, उसको रद्द किया है कि हम कमेटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कमेटी जो है एक मिठी गोली देने का काम है, क्योंकि कमेटी जो है वो लंबा काम खींच लेगी। किसान चाहते हैं, जो किसान के आगू हैं, किसानों की जो आवाज़ है वो इस काले कानून को सिर्फ रद्द करने की है, ना कुछ सस्पेंड करने की है, ना कुछ कमेटी बनाने की है। और जथेबंदियां जो सभी 40 के जथेबंदियों का एक ही नारा है कि किसान जो ये आंदोलन कानून है ये रद्द करेंगे, कोई सस्पेंड, कोई होल्ड, कोई कमेटी नहीं बनेगी। दोस्तों, आजाद न्यूज़ टीवी की ओर से मैं दर्शन लाल चीका से आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप आगे से आगे इसको शेयर करें और देखिएगा काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और धन्यवाद दोस्तों।